दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय कैप्टन संतोष शर्मा द चीफ हिंदुस्तान सिक्योरिटी फोर्स मुंबई। लगातार 48 घंटे की बर्फबारी के बाद उपमंडल चौपाल की पहाड़ियां बर्फ से लकदक हैं। चौपाल शिमला मुख्य मार्ग पर 25 किलोमीटर क्षेत्र में 2.5 से 4 फीट तक बर्फ गिरने से ये मार्ग आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद हो चुका है। भारी बर्फबारी से क्षेत्र को बिजली आपूर्ति करने वाली लाइन की तारें जमीन पर बिछ चुकी हैं, जिस वजह से पूरा क्षेत्र पिछले 40 घंटे से अंधेरे में डूबा हुआ है। लोक निर्माण विभाग ने चौपाल शिमला मुख्य मार्ग सहित सभी बंद सड़कों को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। इसी तरह विद्युत विभाग के 2 दर्जन कर्मचारी बहाली में जुटे हैं। उधर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बरोट में पर्यटक बर्फ से अटखेलियां करते नजर आए, तो वहीं जनशक्ति विभाग के कर्मचारियों को पानी की सप्लाई सुचारू करने में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सीजन की पहली बर्फबारी के साथ होटल कारोबारी फिर सीजन लगने की आस लगाए बैठे थे, पर कोरोना की मार लगना शुरू हो गई है। नेरवा से दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुरेश सूद और जोगिंदरनगर से दीपक चौहान की रिपोर्ट। शहर के बिल्कुल बीचों बीच ये प्रॉपर्टी है। व्यापारिक दृष्टि से ये लोकेशन अति उत्तम है। मोस्ट सुटेबल फॉर शॉपिंग रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशंस हॉस्पिटल टेंपल ऑफिसेज कम्युनिटी सेंटर एटसेट्रा। कैप्टन संतोष प्लॉट इज 2 to 5 minutes अवे फ्रॉम बस स्टैंड रेलवे स्टेशन तहसील ऑफिस कोर्ट हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन मॉल एंड शॉपिंग। पार्किंग की उचित सुविधा के साथ प्रॉपर्टी में पानी बिजली की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रॉपर्टी के साथ ऊना में भी एक और प्रॉपर्टी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9137831247 9987899035 9816570085 9816941439।